जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन गए। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वार्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी बोहे तन गई और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज और वह ऐसा देखता था जैसे जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज पर देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर जी का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शीर के बाल बने, भगवान विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बने, ब्रह्म के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बने, प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने, संध्या के तेज से उसकी बोहे और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का पादुभार्व हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए, शस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करे व्रज दिया और एरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पाश दिया, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उनके दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इससे अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुमलहाने वाले सुंदर कमलों के मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा।
देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ संगनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोक को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भाव से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा से बन रही थी और उसके धनुष के टंकोर से सब लोग शुभ्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदर्ग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ जटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर बिंदीपाल शक्ति मुसल खडंग फरसों पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने सवासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे बंदरीपाल खड़ग इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल की छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य काट काट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाहें काट गई, कितनों के सिर काट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट कर और कितनों की जंघाएं कट गई व पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि के बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे वह बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। वहां पर ये घोर संग्राम हुआ था। वहां भी भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी।
और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह गई थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय समाप्त। यदि आपको यह देवी महत्व का दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।